त्योहारों से ठीक पहले दिल्ली के दुश्मनों के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। राजधानी में आतंकी साजिश का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। दिल्ली पुलिस ने एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार करके साजिश से पर्दा उठा दिया। गिरफ्तार आतंकी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। हमले की ट्रेनिंग के बाद उसने दिल्ली का रास्ता पकड़ा। फर्जी दस्तावेज और फर्जी नाम के साथ दिल्ली में काम कर रहा था, लेकिन साजिश को अंजाम देने से पहले वो पकड़ा गया। AK-47 समेत कई और हथियार और दस्तावेज बरामद किए गए। तंसीम हैदर हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जल्दी से पहले उनका रुख कर लेते हैं। तंसीम, किस तरीके की जानकारी मिल रही है, क्योंकि एक बड़ी गिरफ्तारी यहां पर हुई है, कुछ और लिंक इसके बाद सामने आ सकते हैं, हो सकता है कुछ और भी गिरफ्तारियां आने वाले दिनों में हो। दूसरे जो वेपन है वो आगे पहुंचाने थे, तो कहीं ना कहीं इसका पूरा नेटवर्क और वो जो आतंकवाद, जी जाहिर सी बात है इसमें और भी गिरफ्तारियां होंगी। जो टीम इस आतंकी मोहम्मद अशरफ नाम के आतंकी जो पाकिस्तान है उससे लगातार पूछताछ कर रही है, उससे रास्ते एक साल पहले इंडिया आया था और इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में कई जगह रहा है, राजस्थान में रहा है, कश्मीर भी गया है ये, तो उससे पूछताछ में जो स्पेशल सेल है ये जानकारी कर रही है कि कौन लोग थे जिन्होंने उसको कहां कहां पे पनाह दी, कहां कहां पे इन लोगों ने रेकी की। और इसने एक पासपोर्ट बनवा रखा था, एक अपना एक फर्जी पासपोर्ट भी बनाया हुआ था, उसमें किसने मदद की, तो इसके जो लिंक्स हैं उनको तलाशने की कोशिश कर रही है स्पेशल सेल। एक हैंड वो पिस्टल, 60 कार्टेजेस बरामद हुई है, बरामदगी है दिल्ली में। और त्योहारों से पहले जैसा कि इंटेलिजेंस लगातार अलर्ट्स आ रहे थे कि दिल्ली में कोई बड़ी वारदात कर सकते हैं आतंकी, त्योहार का सीजन है, पेट्रोल पंप पे हो सकता है, पेट्रोल हो सकते हैं, तो इसको देखते हुए जहाँ से मेरे सहयोगी सुनील जी भट्ट इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील, ये जो लगातार टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन जारी है, इस पर सेना लगातार हमलावर है, 5 जवानों की शहादत भी हुई है, लेकिन क्या इनपुट्स मिल रहे हैं, ऐसी आगे भी घटनाओं को रोकने के लिए इस वक्त वहां पर क्या तैयारी? बिल्कुल नेहा, मैं पहले आपको जो है अपडेट दे दूं, इस समय हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर है, ये पूरा ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर जो है भारतीय सेना ने जो है यहाँ पर पुंछ इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन जो है इंटेंसिफाई किया है। हम स्वयं भी इस समय जो है पहाड़ी इलाके की तरफ जा रहे हैं, पैदल रास्ता है, आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना के शूरवीर जो है पहाड़ की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर मुठभेड़ अभी चल रही है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है वो ये है कि अभी भी जो है जंगल के इलाके में जो है 3 से 5 आतंकवादी जो है छुपे हुए हैं, गोलियों की आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही है। और बिल्कुल आज तक जो है एकमात्र चैनल है जो कि इस समय ग्राउंड जीरो पर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय सेना जो है गहन छानबीन कर रही है, तलाशी अभियान चल रहा है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास है। और इस समय जो है भारतीय सेना के शूरवीर बिल्कुल उस स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर मुठभेड़ चल रही है। ये समूचा इलाका आप देखिए, मैं कैमरा पर्सन से भी कहूँगा कि यहाँ बाईं तरफ दिखाइए कितना दुर्गम स्थान है, पहाड़ी इलाका है, घने जंगल है, और हम यहाँ पर भारतीय सेना की टीम के साथ जा रहे हैं बिल्कुल उस इलाके में जहाँ पर मुठभेड़ चल रही है। ये पहाड़ी इलाका है, दुर्गम क्षेत्र है, चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन है ये भारतीय सेना के लिए, लेकिन भारतीय सेना के जो शूरवीर है बिल्कुल डटे हुए हैं और इस चीज़ के लिए बिल्कुल पूरी तरह से प्रयासरत है कि जो आतंकवादी छिपे हैं जंगल में उनको जल्द से जल्द ढेर किया जाए। दरअसल जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे वो कश्मीर घाटी हो, जम्मू संभाग हो, और नियंत्रण रेखा से भी जो है घुसपैठ चल रही है। कश्मीर घाटी में भी एनकाउंटर चल रहा है, शोपियां इलाके में 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। और यहाँ पर जम्मू संभाग के पुंछ ज़िले में इस पहाड़ी क्षेत्र में दुर्गम स्थान में जहाँ पर सड़क भी नहीं है, यहाँ पर बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है भारतीय सेना के सामने। और इस समय जो है भारतीय सेना पहाड़ की तरफ चढ़ाई कर रही है और उसी पहाड़ के ऊपर जो है इस समय मुठभेड़ चल रही है। मेरे कैमरा पर्सन भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस समूचे इलाके की काफ़ी दुर्गम स्थान है, पहाड़ी क्षेत्र है, और अभी भी जो है रुक रुक कर गोलियों की आवाज़ आ रही है। ये रीइंफोर्समेंट्स भेजे जा रहे हैं पहाड़ी इलाके की तरफ ताकि जो एनकाउंटर साइट पर जो भारतीय सेना के सैनिक हैं उनको और मदद पहुंचाई जा सके। तो पूरी तरह से प्रयासरत हैं भारतीय सैनिक कि जल्द से जल्द जो आतंकवादी जंगलों में छुपे हुए हैं उनको ढेर किया जाए। तो इस समय भारतीय सेना जो है पहाड़ी की तरफ चढ़ रही है, बिल्कुल उस पहाड़ी के ऊपर वहाँ पर जो है मुठभेड़ चल रही है और
इस समय जो है भारतीय सेना जो है रीइंफोर्समेंट्स भेज रही है। काफी ये चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन पूरी तरह से प्रयास जारी है कि आतंकवादियों को जल्द से जल्द। जरा बताइए, जो मुठभेड़ जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जहां के लिए कुछ जवान ऊपर की तरफ जा भी रहे हैं, ये मुठभेड़ कब शुरू हुई, कितने आतंकी बताए जा रहे हैं वहां पर मौजूद होंगे अभी? जी, मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक सूचना जो आई है उसके हिसाब से परसों रात को यानी कि मध्यरात्रि के आसपास उनको सूचना मिलती है कि इस इलाके में जो है आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। उसके बाद एक गहन तलाशी अभियान चलाया जाता है और इस पूरे पहाड़ी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलता है और आतंकवादी पाए जाते हैं जंगल के इलाके में और वहाँ पर जो है मुठभेड़ शुरू हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो 5 हमारे बहादुर सैनिक हैं वो शहीद हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं, जिसमें कि एक JCO भी शामिल है। लेकिन रीइन्फोर्समेंट्स भेजे जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं जो सूत्रों के हवाले से कि 3 से 5 आतंकवादी जो है वो जंगलों में छिपे हो सकते हैं। तो फिलहाल ऑपरेशन अभी भी जारी है। जो हमारी बात हुई है सेना के आला अधिकारियों से, उनने कहा है कि ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है और हम स्वयं भी इस समय जो है रुक रुक कर जो है गोलियों की आवाज़ सुन सकते हैं। फिलहाल जो है रीइन्फोर्समेंट जो है पहाड़ की तरफ जा रही है, हम भी इस पहाड़ी इलाके की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी दुर्गम इलाका है, कठिन ऑपरेशन है, लेकिन भारतीय सेना जो है पूरी तरह से प्रयासरत है कि जो आतंकवादी जंगल में छुपे हुए हैं इस पहाड़ी क्षेत्र में, उनको जल्द से जल्द ढेर किया जाए। तो फिलहाल ऑपरेशन लगातार जारी है, जो ऐसा कि माना जा रहा है कि ये आतंकवादियों का जो समूह है इसने अभी हाल फिलहाल में ही घुसपैठ की थी नियंत्रण रेखा से पुंछ इलाके में, और अब हो सकता है वो कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे हो, क्योंकि यहाँ से कश्मीर घाटी का भी रास्ता है दक्षिण कश्मीर की तरफ, शोपियां इलाके की तरफ, हो सकता है वो कश्मीर घाटी जा रहे हो। फिलहाल यहाँ पर भारतीय सेना जो है चढ़ाई कर रही है, पहाड़ की तरफ जा रही है और जल्द से जल्द वो इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि जो आतंकवादी हैं उनको ढेर किया जाए। ठीक है, आप नज़र बनाए रखिए सुनील जी, भट्ट वाय सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं। सुनील, जिस तरीके से अब सेना मुस्तैद हो गई है और ये माना जा रहा है कि एक सोची समझी साजिश सीमा पार की ओर से, ताकि हिंदुस्तान में किसी तरह से शांति ना बहाल हो सके, खासतौर पर त्योहार के मौके हो या फिर अदरवाइज, इस तरीके का इन्फिल्ट्रेशन लगातार जारी है और ये सेना इंश्योर कर रही है कि वहां पर शांति बहाल हो सके। 5 जवानों की शहादत हुई है, मामूली बात नहीं है सुनील जी भट्ट। बिल्कुल नेहा, आपने सही कहा, इसीलिए जो है सुरक्षा एजेंसियां भी जो है इस गहन चिंतन में लगी हैं कि इस चुनौती से कैसे निपटा जाए। एक तरफ कश्मीर घाटी में जो है अल्पसंख्यक समाज के लोगों की हत्याएं कर रहे हैं आतंकवादी, दूसरी तरफ यहाँ जम्मू संभाग में नियंत्रण रेखा से जो है आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं, और जैसी कि खबरें आ रही हैं कि ये जो समूह है आतंकवादियों का जो कि इस पहाड़ी पर छिपा हुआ है, वो जो है अभी हाल फिलहाल में ही नियंत्रण रेखा से घुसपैठ करके आए थे। तो अब जो है सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट मिला था उसके आधार पर जो है कार्य किया गया और ये मुठभेड़ यहाँ पर हुई। फिलहाल जो है अभी भी आतंकवादी छिपे हैं, रुक रुक कर हम अभी भी फायरिंग की आवाज़ सुन सकते हैं और रीइन्फोर्समेंट्स जो है वो भेजी जा रही हैं। ठीक है सुनील जी, बट आप नजर बनाए रखिए। तो देखिए, ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, मुठभेड़ अभी भी चल रही है, पल पल की खबर हम तक हमारे सहयोगी पहुंचा रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए एक और 11। कश्मीर की बात करेंगे, जहां के शोपियां में फौज ने पनाह लिए 3 आतंकियों को, उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। 3 आतंकी मारे गए हैं, बाकियों की तलाश जारी है। कश्मीर में कई जगहों से मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं। शोपियां में एक और इलाके में आतंकी घिर गए हैं और इसी इलाके में 3 आतंकी मार गिराए गए। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एक और 11।